हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एग्री विद जय हिंद में स्वागत करता हूं। आज हम हार्टिकल्चर के फ्रूट क्रॉप लीची की क्लास लाए हैं। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और जो इसका जो बोटैनिकल नेम होता है, तो लीची का जो बोटैनिकल नेम होता है लीची चाइनेंसिस होता है, ठीक है दोस्तों। और इसे क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट भी कहते हैं, ठीक। और इसकी जो फैमिली होती है वह स्पेंडिएसी होती है दोस्तों। और इसमें जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं 2n = 30 होते हैं इसमें। और जो इसका ओरिजिन प्लेस होता है वह साउथ चाइना है दोस्तों। और ये इंट्रोड्यूस टू इंडिया ड्यूरिंग इंडिया में ये 18वीं शताब्दी में लाया गया, ठीक दोस्तों। और जो मेरा अगली स्लाइड है जिसका क्लाइमेट एंड सॉयल रिक्वायरमेंट, वो जो पहला है, अ वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज आइडियल फॉर द ग्रोथ एंड फ्लावरिंग इन लीची। तो यह गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु लीची की वृद्धि और फूल आने के लिए आदर्श होता है दोस्तों, ठीक। जो अगला है मेरा कि द विंटर शुड बी कूल एस वेल एस ड्राई एंड डिवाइड ऑफ फ्रॉस्ट मिनिमम टेम्परेचर, जो इसका मिनिमम टेम्परेचर होता है सर्दी ठंडी होने के साथ साथ जो शुष्क और पाले से रही न्यूनतम तापमान जो होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वह 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जो फॉर फ्लावरिंग विथ लाइट रेनफॉल, जो फूल आने के लिए हल्की वर्षा के साथ जो 16 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक दोस्तों। और फ्रूट सेट 18 से 24 डिग्री सेल्सियस विथ मीडियम ह्यूमिडिटी जो होता है, जिसे फल लगने के लिए जो मध्यम आर्द्रता के साथ साथ 18 से 24 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक दोस्तों। और जो ड्यूरिंग हार्वेस्ट 24 से 28 विथ ब्राइट सनलाइट एंड हाई रेट ह्यूमिडिटी जो होती है, तो इसमें कटाई के दौरान तेज धूप और उच्च सापेक्ष आर्द्रता के साथ जो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस होती है हार्वेस्टिंग के दौरान, ठीक है दोस्तों। और जो ड्यूरिंग न्यू प्लस 28-30 डिग्री सेल्सियस विथ हाई आरएच एंड हैवी रेनफॉल, जो इसका नए प्लस जो होते हैं नए प्लस के दौरान भारी वर्षा के साथ 28-30 होनी चाहिए, भारी वर्षा के साथ जो डिग्री सेल्सियस, तो 28-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक। और जो अगला मेरा है द सॉयल पीएच बी अराउंड 5 to 5.5 पीएच होना चाहिए, ठीक है। और जो मेजर एसिड प्रेजेंट इन द फ्रूट इज मैलिक एसिड, जो इसमें एसिड होता है वह कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है दोस्तों, ठीक। इसमें मैलिक एसिड होता है। और जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची इन द वर्ल्ड, जो लाइक प्रोड्यूस करता है सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करता है वह चाइना करता है, ठीक है। और जो लीची का रेड कलर होता है, रेड कलर स्किन ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू, जो रेड कलर होता है तो किसके कारण होता है दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण इसका रेड कलर होता है। इसके कारण होता है दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण इसका रेड कलर होता है, ठीक दोस्तों। और जो इसे
और स्टार्ट वेरिंग 6 ईयर 1 वर्ड, ठीक है, 6 ईयर 1 वर्ड, ठीक। और आप लोग और थोड़ा क्वेश्चन देख लें, जो स्टोरेज का स्टोरेज टेम्परेचर होता है, स्टोरेज जो टेम्परेचर होता है तो कितना होता है, तो इसका 5 to 7 होता है, स्टोरेज टेम्परेचर इसका 5 to 7 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस होता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट होता है, तो 20 से 25% लॉस हो जाता है, 20 से 25%, ठीक दोस्तों, 20 से 25% ये लॉस हो जाता है, ठीक। और अगला देखते हैं, इसमें टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस है, तो इसमें पेनिकल होता है, ठीक है। फ्लोरेंस कौन सा इसमें पाया जाता है, इन्फ्लोरेंस पेनिकल, इसमें पुष्परम पेनिकल होता है, ठीक। जो फ्लावर आर जो होता है, फ्लावर आर तो पेटालिस होता है, ठीक दोस्तों, पेटालिस होता है। और जो इसमें शॉर्ट लाइफ स्टोरेज होता है, शॉर्ट लाइफ स्टोरेज जो होता है इसमें, जो शॉर्ट लाइफ स्टोरेज होता है 25 से 30 आवर्स तक होता है, 25 से 30 आवर्स तक होता है, 25 से 30 आवर्स तक होता है, शॉर्ट टाइम स्टोरेज होता है, ठीक है दोस्तों। और साथ में ये इसके फ्रूट जो होते हैं ब्राउन हो जाते हैं, साथ में इसके फ्रूट ब्राउन, साथ में इसके फ्रूट ब्राउन हो जाते हैं, ठीक। और जो मेरा अगला है वह है टाइप ऑफ फ्रूट, जो इसमें टाइप ऑफ फ्रूट होता है तो सीडेड नट पाया जाता है, ठीक है, वन सीडेड नट पाया जाता है, ठीक। और जो इसका एडिबल इनमें जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वन सीडेड नट होता है, ठीक है दोस्तों। और जो इसका एडिबल पोर्शन होता है वह एरिल होता है, एडिबल पोर्शन इसका एरिल होता है, ठीक। और जो फ्रूट हार्वेस्टिंग होती है हैविंग वह होती है, अगला मेरा है जो कमर्शियल प्रोपोगेटेड बाय एयर लेयरिंग, इसमें जो लीची में एयर लेयरिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। और गुटी और मार्कोटेज, इसमें एयर लेयरिंग का ये दूसरा नाम है गुटी, और इसे मार्कोटेज बोल देते हैं, ठीक है। उसकी एयर लेयरिंग जुलाई टू सितंबर में की जाती है, जुलाई टू सितंबर में किया जाता है। और इसका जो सूट होता है वह 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए, कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। और एक हम क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमनली हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो होता है, मोस्ट कॉमनली हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो इसका जो TSS होता है, TSS इसमें जो होता है TSS तो कितना होता है, TSS एसिड रेशियो कितना होता है, जो इसका TSS एसिड रेशियो होता है उस 70:1 होता है, कितना होता है दोस्तों, 70:1 होता है दोस्तों, ठीक। और एक हम और अगला देख लेते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्रूट सेट टू मैच्योरिटी, ये इसमें मैच्योरिटी होती है तो कितने दिन में आती है, 50 से 60 डेज, ठीक दोस्तों, 50 से 60 डेज।
और आगे हम देखते हैं कि जो इसमें गिडलिंग होती है, गिडलिंग डन टू कंट्रोल द टर्मिंग टाइमिंग फॉर फ्लश टू स्टार्ट विंड टेम्परेचर आर आइडियल फॉर फ्लावरिंग, जो इसमें फूलों के लिए आदर्श तापमान होने पर जो फ्लश शुरू शुरू होने के साथ को नियंत्रित करने के लिए ग्रिडलिंग की जाती है, ग्रिडलिंग की जाती है। तो दोस्तों ग्रिडलिंग है क्या? तो ग्रिडलिंग जो लीची के फूल को बढ़ावा देने के लिए ग्रिडलिंग का उपयोग किया जाता है, लीची के फूल को बढ़ावा देने के लिए ग्रिडलिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है, हार्वेस्टिंग टाइम वह होता है मई टू जून होता है हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक, और जो हाईली पेरिसेबल फ्रॉट है, जल्दी फ्रूट है, मतलब जो ये जल्दी खराब होने वाली फल है ना, जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन लीची प्रोडक्शन अबाउट, जो लॉसेस होता है तो 20 से 25% लीची का लॉस हो जाता है। तो यह एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, यह एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन एक हम देख लेते हैं कि जो मेच्योरिटी इंडेक्स है, मेच्योरिटी इंडेक्स है कलर चेंज, जो मेच्योरिटी इंडेक्स का जो कलर चेंज होता है तो किस में होता है? तो डीप रेड ऑफ फ्रूट, मतलब डीप रेड में चेंज हो जाता है, किसमें? डीप रेड में, डीप रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम बढ़ते हैं, जो इसकी वराइटीज हैं, जो इसकी वराइटीज हैं वह है कि रोज सेंट है, देहरादून है, रोज सेंट है, देहरादून है, गुलाबी है, ठीक, कलकत्ता है, परवी है, सही है, शाही है, कस्बा है, बम्बई है, चाइना देसी, ठीक है, स्वर्ण रूपा, इलायची बावेस्टर। ठीक दोस्त, इलायची बावेस्टर। आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बारे में बताएंगे, जो स्वर्ण रूपा होती है, सीडलेस, जो स्वर्ण रूपा है या सीडलेस वैरायटी, ठीक, हाई रेसिस्टेंट टू फ्रूट क्रैकिंग, जो फ्रूट क्रैकिंग होती है रेसिस्टेंट है, और फर्स्ट वैरायटी डेवलपमेंट इन इंडिया, फर्स्ट वराइटी डेवलपमेंट इंडिया। ठीक है, और जो रेगुलर बेयरिंग वराइटी होती हैं तो शाही है, रोज सेंट है, देहरादून, ये सब रेगुलर बेयरिंग वराइटी हैं। ठीक है दोस्तों, और रेगुलर बेयरिंग वराइटी हैं, ठीक, और अल्टरनेट बेयरिंग जो होती है वराइटी वह चाइना है, अल्टरनेट बेयरिंग वराइटी जो है चाइना है, और फ्रूट बंच बेरिंग क्लोन जो है तो शाही है। ठीक दोस्तों, और वैरायटी के बारे में हम और थोड़ा बता देते हैं, कोई स्लाइड खाली हो इस पे बात कर लेते हैं, ये स्लाइड खाली। ठीक है, तो जो इसकी ईयरली वैरायटी है, ईयरली जो वैरायटी है आप लोग लिख लीजिए, जो ईयरली इसकी वैरायटी है वह ईयरली सीडलेस, ईयरली सीडलेस एक हो गई, ईयरली सीडलेस हो गई, और इसे ईयरली सीडलेस को ईयरली बेदाना भी बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ईयरली सीडलेस को ईयरली बेदाना भी बोलते हैं, एक हो गई। और दूसरी है कि मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर, ठीक, मुजफ्फरपुर,
और इसकी जो ईयरली वैरायटी में आती है सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। सहारनपुर ठीक है, सहारनपुर, सहारनपुर भी होती है, ठीक। और शाही, शाही, पूर्वी, ये सब क्या हो गई? ईयरली वराइटीज हो गई, ईयरली वराइटीज हो गई, ठीक दोस्तों। तो इसमें ईयरली वराइटीज में कौन कौन आएगी? ईयरली सीडलेस, और जिसको हम ईयरली बेदाना भी बोलते हैं, और मुजफ्फरपुर, ठीक है, सहारनपुर और शाही और पूर्वी, ठीक। इतनी वराइटी ईयरली वराइटी हो गई। और अब देख लेते हैं मिड सीजन, मिड सीजन की, ठीक दोस्तों, मिड सीजन की देख लेते हैं। तो मिड सीजन वैरायटी जो है तो देहरादून है, मिड सीजन वैरायटी देहरादून है, देहरादून, देहरादून हो गई। और मेरी दूसरी है रोज सेंट, रोज, रोज सेंट होगी, ठीक दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि लेट सीजन, जो लेट सीजन होती है वैरायटी, वह हो गई कि सीडलेस, जिसे हम लेट बेदाना भी बोलते हैं। सीडलेस को हम लेट बेदाना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? लेट बेदाना, ठीक, लेट बेदाना बोलते हैं। और कलकुटा हो गई, कलकुटा हो गई, इलायची हो गई, ठीक। इलायची दोस्तों, इलायची किसमें आती है? लेट वैरायटी में। इलायची, इलायची, इलायची हो गई, ठीक। चाइना हो गई और बॉम्बे हो गई, बॉम्बे हो गई, ठीक दोस्तों। ये सब क्या हो गई? लेट वैरायटी। लेट वैरायटी में कौन कौन सी होती हैं? सीडलेस, जिसको हम लेट बेदाना भी बोलते हैं, कलकुटा हो गई, इलायची हो गई, ठीक है, चाइना हो गई और बॉम्बे हो गई, ठीक। अब हम आप लोगों को रेगुलर बियरिंग वैरायटी बता देते हैं। शाही है, देहरादून, शाही और देहरादून, ये सब क्या है? रेगुलर वैरायटी है, ठीक, रेगुलर बियरिंग वैरायटी है, शाही और देहरादून, ठीक दोस्तों, शाही, देहरादून, देहरादून, ठीक दोस्तों। ये सब क्या हो गई? रेगुलर बियरिंग वैरायटी हो गई। और अल्टरनेट तो आपको पता ही है, चाइना, चाइना हो गई, ठीक, ठीक दोस्तों। और जो टेबल पर्पस के लिए होती है वैरायटी, टेबल पर्पस, जो खाने हो, तो ईयरली सीडलेस होती है, ईयरली सीडलेस, ईयरली सीडलेस, ठीक दोस्तों, ईयरली सीडलेस हो गई। और दूसरी हो गई कि ईयरली बेदाना, ईयरली बेदाना, ठीक। और पूर्वी हो गई, इलायची हो गई, ठीक। और चाइना हो गई, कलकुटा हो गई, कलकुटा, कलकुटा हो गई, फिर बॉम्बे हो गई, बॉम्बे, ठीक, बॉम्बे, बॉम्बे हो गई, ठीक। और गुलाबी हो गई, गुलाबी भी, गुलाबी, गुलाबी, गुलाबी हो गई, गुलाबी, ठीक। ये सब क्या हो गई? टेबल पर्पस वैरायटी हो गई, ठीक। अब हम हाँ, ये सब टेबल पर्पस क्लासे हो गई। हम क्लास आप यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक दोस्तों।
क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम आपको अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, जय हिंद।